नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट का उपयोग फिलहाल त्रिस्तरीय नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम का उपयोग वर्ष 1998 से विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव हेतु हुआ था और प्रदेश के नगरीय एवं पंचायत चुनावों में इसका उपयोग 16 साल बाद वर्ष 2014 से प्रारंभ हो पाया। चूंकि अब ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी विधानसभा व लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल होने लगा है, इसलिए नगरीय एवं पंचायत चुनावों में इसका उपयोग होने में ऐसा ही समय लगने वाला है, क्योंकि विधानसभा व लोकसभा चुनावों की ईवीएम अलग होती है जबकि नगरीय व पंचायत चुनावों की ईवीएम अलग। नगरीय एवं पंचायत चुनाव कराने वाला राज्य निर्वाचन आयोग अपनी ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी वीवीपैट बनाने वाले भारत सरकार के उपक्रम इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी उनके समक्ष विधानसभा व लोकसभा चुनाव की ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट जोड़ने का काम मिला हुआ है। नगरीय एवं पंचायत चुनावों में उपयोग में आने वाली ईवीएम मशीन में 60 उम्मीदवार के नाम जुड़ सकते हैं, जिसमें से 49 का उपयोग होता है और एक स्थान नोटा के लिए रखना होता है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।